तरह से जो जीत हुई है, मैं ये जीत जो है भाजपा की मानती हूँ और अपना शीर्ष नेतृत्व जो है भाजपा का, हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे अमित शाह जी, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी और नड्डा जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे जो है हमारे अध्यक्ष यहाँ खड़े हैं बडोली जी, पूरा शीर्ष नेतृत्व जो है भाजपा का, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत भाजपा की जीत है, और ये जीत वो जीत है जो आने वाले समय में आपको दिखाएगी कि भाजपा पूर्ण बहुमत से, जैसे सीएम साहब ने बताया, पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार हरियाणा के अंदर लेकर आएगी। और वो इसलिए लेकर आएगी क्योंकि भाजपा की नीतियां हैं, भाजपा की नीति है, भाजपा की ईमानदारी है और भाजपा का संगठन है, और भाजपा के अंदर वो क्षमता है लोगों के अंदर का, लोगों के लिए काम करने के लिए, जनहित का काम करने के लिए। और बाकी जो है आप सब जानते हैं, मैं तो उधर रही हुई हूँ, हमेशा मैंने देखा है नौटंकीबाजी करते हैं, नौटंकियों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। अभी भी जो है जब चुनाव अल्पमत की बात जब कर रहे थे सीएम साहब, तो मुझे यह ध्यान में आया कि अल्पमत कर रहे थे और कभी जा रहे हैं ये राज्यपाल के पास जा रहे हैं, वहां पर दे रहे हैं चिट्ठी, कहीं और कुछ दे रहे हैं कि हम जो है सरकार को गिरा देंगे। लोगों को गुमराह करने की जो बात है वो हुड्डा साहब और उनके जो क्रोनीज हैं वो सारे के सारे करते हैं। सत्य ये है कि अगर जो है ऐसी बात थी तो ये विधानसभा के अंदर जो है क्यों नहीं लेकर आए, वो तो इनके अंदर हिम्मत ही नहीं, क्योंकि इन्हें मालूम था कि मुंह की खानी थी, तो केवल इसलिए जो है कि गुमराह करे जाओ, हम ये कर देंगे, हम फला कर देंगे। अरे जो है जब विधानसभा के अंदर जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है उसके ऊपर जो है वोटिंग ही नहीं करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़े नौटंकीकार जो है ये सारे के सारे लोग हैं। सबके सामने ये बात हुई है और आने वाले समय के अंदर ये बिल्कुल सत्य है, ये जो बात कही गई कि एक जो है कोई भी कास्ट या विशेष तौर से किसी का जो है वो नहीं देगी, ये नहीं देगी, ये बिल्कुल झूठ बात है। कल उसका प्रमाण जो है सीएम साहब ने खुद देखा, तो शाम के अंदर देखा, उससे पहले आगे देखा। और सत्य ये है कि आज के दिन जो है जो जो काम जो सरकार ने करे हैं, भाजपा सरकार ने, वो ऐतिहासिक काम है। मैं तो एक फौजी की बेटी हूँ, मैं जानती हूँ कि अग्निवीर की भी जो बात कही गई है कि उनको पूरी तरह से आरक्षण दिया जाएगा, तो उसके अंदर जो है अब एक लॉ जगी है बच्चों के अंदर कि हमारे को नौकरियां मिलेंगी, बिना खर्ची पर्ची के जो है बच्चे जो है नौकरियां लग रहे हैं। इसी तरह से हमारे किसान भाई जो आंदोलन के ऊपर उतरे हुए थे, जिनको उकसाया जा रहा था, जिनको उंगली लगा लगा के दीपेंद्र हुड्डा जो है आगे बढ़ा रहे, वो जो है उकसाने का काम करते थे, हमारे जो ये जो है खिलाड़ी हैं उनको भी जो है जब वहां पर बिठाया गया था ये जंतर मंतर पे, तो उंगली लगा लगा के करा गया था सारा कुछ, दीपेंद्र हुड्डा का काम था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये जानते हैं कि ये सब कुछ खो चुके हैं, केवल ये कांग्रेस का तो नाम निशान अब रहा नहीं, बाप बेटा, बाप बेटा। और जो इनका अभी कह रहे हैं कि सर्वे के मुताबिक जो है, क्योंकि इन्होंने एक एक हलके के अंदर 16-16 20-20 कहीं कहीं 50-50 जो है कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, वहां पर जो है आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में बाकी सारे किस तरह से सफाया और कटाया होगा, क्योंकि ये षड्यंत्र जो है ये कांग्रेस का जो है ये डीएनए के अंदर है, इनके डीएनए में, ये बाप बेटे के डीएनए में। और अभी जो मुझे पता चला है कि अब ये कहा जा रहा है कि हम सर्वे के मुताबिक सीट देंगे, सत्य ये है कि बाप कुछ कह रहे हैं, बेटा जो है सर्वे वालों को कह रहा है भाई मैं तुम्हारे को अलग से जो लिस्ट दूंगा उसके अंदर सर्वे का नाम आना चाहिए, सर्वे वाले ये बात बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ये नौटंकीबाज हैं, केवल और केवल अपने आप को बचाने के लिए रोज रात को बाबू और बेटा जो है सोचते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इनको हरियाणा से कोई सहूकार नहीं है, जनता का हित का कोई सहूकार नहीं है। 10 साल में हमने देखा कांग्रेस की जब सरकार इन्होंने चलाई, केवल और केवल गरीब किसान को लूटा और कुछ नहीं करा, हर एक का जो है जमीनें खरीद के होने पौने दामों में बड़े बड़े साहूकारों को इन्होंने बेची। और जो है ये सरकार जो कांग्रेस की उस समय थी, मैं भी जिसका हिस्सा था, शर्म आती थी मुझे जब ये लोग कहा करते थे आपकी सरकार जो है कांग्रेस की मत बोलो, सीएलयू सरकार बोलो, सीएलयू सरकार ये बात कहा करते थे, आप सब जानते हैं इस बात को। तो ये जो है आज जो है पूरी तरह से निर्विरोध जो मेरे मुझे जो है मैं आज चुनकर आई हूँ, मैं दोबारा से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि
इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है बाबू बेटा के पास, और इनके पास कोई कुछ रह नहीं गया। अब ये वो कहते हैं ना आखिरी सांस, वेंटिलेटर जो है उसके ऊपर जो है ये जी रहे हैं, और किसी तरह से कि भाई हमारे हम किसी तरह से कामयाब हो जाएं कि जो तलवारें हमारे सिर पे लटकी हुई हैं वो जो है तलवारें हम खत्म कर सकें। ये लोगों के लिए कोई काम इनके लिए नहीं है, और हमने बिल्कुल साबित करके दिखाया नायब सिंह सैनी जी ने आने के बाद, जो जनहित के इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, इतने बड़े बड़े, चाहे कर्मचारियों के लिए हो, चाहे हमारे किसान भाइयों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, हमारे नौजवान बच्चों के लिए हो, अंतोदिया का जो है आखिरी छोर तक जो हमारा बच्चा है उस तक फायदा पहुंचे, ऐसी सरकार कहाँ मिलेगी। ये सौभाग्य की बात है कि भाजपा जो है अब यहाँ पे नेतृत्व करेगी, और पूरे पूर्ण बहुमत के साथ आने वाले समय में लोगों को समझ आ गई है कि ये केवल षड्यंत्रकारी हैं, केवल जो है नौटंकीबाज हैं, इनके पास कुछ नहीं है। आपस में लड़ झगड़ के, आपस में जो है कटाई पिटाई करके ये जो है वहीं पे वहीं रह जाएंगे। कांग्रेस इज नोन फॉर स्कोरिंग सेल्फ गोल्स, आप जानते हो सेल्फ गोल स्कोर करते हैं, और वही आने वाले समय में ये करेंगे। मैम कल आपने एक आरोप भी लगाया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शाम और भिवानी के साथ पाकिस्तान जैसा सलूक जो है व्यवहार जो है वो किया। मेरा आरोप नहीं है ये खाली, वहां पे कोई पत्रकार भाई थे वो सबसे पूछ रहे थे, तो मैंने वो आज देख रही थी मैं टेलीविजन के ऊपर, सारे लोग एक ही बात कह रहे थे कि हमारे को तो पाकिस्तान जो है की तरह ट्रीट करा गया। सत्ता के अंदर हम थे, मंत्री मैं थी, लेकिन विपक्ष के अंदर जैसे बैठी हूँ, लड़ाई कर झगड़ झगड़ के हमने अपना काम करवाया। वो तो श्रुति उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, इसलिए केंद्र से जो है बहुत सारे पैसे लेकर आई जो काम हम करवा पाए, नहीं तो इन्होंने तो बिल्कुल हमारे को जो है खत्म करने की सोची थी। इनकी तो मंशा ये थी कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम जो है वो खत्म कर दिया जाए, जिस वृक्ष से ये पौधा निकला था उसी वृक्ष को जो है ये खत्म करना चाहते हैं। तो ये जानते नहीं है कि उस वृक्ष की जड़ें जो हैं वो बहुत मजबूत हैं, पूरे हरियाणा में हैं, और जिसके कारण जो है ये 2005 के अंदर जो है सत्ता के अंदर आए थे, और अब जो है आने वाले समय में इनको खुद समझ आ जाएगी कि ये जो है बाबू बेटा पार्टी सारे लोग जान चुके हैं। आने वाले समय में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जनता के हित के काम आगे करेगी।